पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर के चिल्ड्रन पार्क में आयोजित रोगियों को आपातकालीन सेवा में रक्त का इंतजाम करवाने और रक्तदान करने के प्रति प्रोत्साहित करने वाली संस्था सुमना कुमारी निष्काम सेवा एवं एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचकर ब्लड डोनेशन करने वालों की हौसला अफजाई की और संस्था को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने संबोधन में कहा कि रक्तदान महादान होता है और जो लोग रक्तदान करते हैं वे किसी की जिंदगी बचाते हैं। उन्होंने कहा कि खून इमरजेंसी के समय में लोगों को वरदान के रूप में साबित होता है, इसलिए सभी को समय समय पर रक्तदान जरूर करना चाहिए। आज के कार्यक्रम के बारे में तो आपने मेरे से पहले देख लिया क्या हो रहा है। इस यंग एज में इस तरह की सोच रखना, जिसको मदद की जरूरत है उसकी मदद करने के लिए तैयार रहना, जैसे राणा जी ने कहा है, बहुत बढ़िया सोच है और अच्छे संस्कारों का प्रभाव है। सचमुच ही गौरव ने, जिन्होंने इनका नाम गौरव रखा, उनका गौरव बढ़ाया है। रक्तदान को महादान माना गया है। ये जो खून हम देते हैं ये किसके काम आता है? कोई गंभीर रूप से बीमार हो, कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए, तो आपके खून की एक एक बूंद किसी के सुहाग को बचा सकती है, किसी के भाई को बचा सकती है, किसी की गोद को हरा भरा रख सकती है, अर्थात जिसको भी मिलेगी उसको जीवनदान मिलेगा। राणा जी जब बोल रहे थे तो मुझे विक्रम जी याद आया। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के मुख्य संचालक गौरव ठाकुर, जो कि पटलांदर से संबंध रखते हैं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का कार्यक्रम में पहुंचने के लिए धन्यवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर के दौरान 70 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया, जिसमें सुजानपुर के लोगों के अलावा अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया।